नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना की तारीफ करते हुए विरोधी पार्टियों को घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष काफी डरा हुआ है। मुंबई के अंधेरी में एक जनसभा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, लाडली बहन योजना इतनी सुपरहिट हो गई है कि उनकी हवा तंज हो गई है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। यह कहते हैं कि हम योजना बंद करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के बयान पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बयान देने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में जिस तरह का बयान दिया है वह ठीक नहीं है। राज ठाकरे हमारे अच्छे मित्र है। रामदास अठावले ने कहा, राज ठाकरे का यह बयान ठीक नहीं था। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं उनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांटे का मुकाबला है। बहुमत किसको मिलेगा पता नहीं, लेकिन बिना अजीत पवार की मर्जी से कोई सरकार नहीं बन सकती। राज्य में कौन किसके साथ जाएगा कुछ पता नहीं। नतीजे के बाद कुछ भी हो सकता है, उसमें अजीत पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनकी सुरक्षा में फोर्स वन के पूर्व कर्मियों को तैनात किया गया है। इसको लेकर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री खुद अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देते हैं, यहाँ खुद की सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। अचानक से हमने देखा कि उनके घर के बाहर फोर्स वन के 200 कमांडो खड़े हैं। नागपुर में जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षा का पूरा घेरा है। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इसी बीच उल्लासनगर से BJP जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रवानी के बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा, जिन्हें गद्दार कहा जाता है वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। रामचंद्रवानी के बयान पर अभी शिवसेना शिंदे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है उनके बयान से BJP और शिवसेना के बीच फिर विवाद खड़ा हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समान नागरिक संहिता UCC और NRC के मुद्दे पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड में UCC और NRC नहीं चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 3 नवंबर को झारखंड में BJP का घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव के लिए BJP के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 3 नवंबर को झारखंड से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। यह परिवर्तन BJP को शासन में लाने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए करना है। बिहार के भागलपुर में हुए एक घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने BJP, RSS और CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने रविवार 3 नवंबर को कहा कि BJP नेता नफरत फैलाने के असल जिम्मेदार हैं। RSS और BJP के लोग उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं, भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब राज्य की जनता कह रही है कि शांति की धरती बिहार पर अब RSS का कब्जा हो गया है। राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए नफरत की जमीन मुहैया करा रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2 हफ्ते से कम समय रह गया है। इसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। 11 नवंबर को चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। इससे पहले सभी सियासी दल जोर शोर से मतदाताओं को रुझाने में लगे हैं। खैर सीट सहित प्रदेश के सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। खैर उपचुनाव में 4 लाख मतदाता 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रचार के लिए खैर में मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं।
फिलहाल देश की खबरों में इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।